खाली है, कोई नहीं दिख रहा है। उदय सिंह जी ने बोला कि लगता है मुगल सैनिक बहुत आ गए हैं, सब गांव छोड़कर जा रहे हैं। हुकम। हाँ भागो, और तेज भाग रहे सब, भाग रहे भाग रहे भाग रहे। और ये सामने आपने देखा कि सब मुगल सैनिक मार रहे सबको और घोड़ा रोका। अनुशासन इनका तुम्हारा धर्म है, हमें पता है। स्त्रियों पर अत्याचार करते हो ना। सैन अली ने बोला अभी तुम्हें दिखाता हूँ मुगल क्या होते हैं, दिखाता हूँ अभी। महाराज ने बोला कि आज इन लोग को मार के अफगानिस्तान भेज देते हैं, बहुत चर्बी हो गई इन्हें। सारे सैनिक मुंडी लो ना घोड़े के, घोड़ा हिलना है मुंडी लाना भाई। सामने आप एंटर किए, देख रहे बच्चे को मारने जा रहा। सामने से खंजर लगेगा किसी को। पकड़ चलो।
टाइट क्या आदमी वाइट हुआ इसको नहीं नहीं एकदम टाइट नहीं बोला मैंने आसपास के गांव से मिलाकर लगभग 30,000 लोग होंगे जल्दी कीजिए महाराज जी भला इतने सारे लोगों को अपने दुर्ग में कैसे स्थान दे पाएंगे राव जी ये हमारी प्रजा है अब पर कभी भी इन पर आक्रमण कर जबरन इन्हें अपना दास बना सकता है हम ये कैसे कह सकते हैं कि हम दुर्ग की सशक्त प्राचीरों के पीछे अपने आप को सुरक्षित करे रखें और ये अकबर के वार से हम ऐसा नहीं होने देंगे राव जी इनकी सुरक्षा हमारा धर्म है और हम अपना धर्म निभाएंगे इन सब को दुर्ग के अंदर लेकर जाया जाए जैसी आपकी आज्ञा राणा जी जैसी आपकी आज्ञा शीघ्र चलिए रेडे सामान उठाए उठाने से महाराज पासिंग रेडे भावेश भावेश पासिंग रेडी एक दो झुकिए आप भी झुकिए सब दिख रहे हैं पीछे ना सब लोग अंदर जाइए दिख रहे हैं पहले से छोटा जी आ जाइए लीजिए अम्मा और शीघ्र जाइए दुर्ग के अंदर जाइए और ये मत लीजिएगा एक हाथ और शीघ्र दुर्ग में जाइए आप सब लोग भी जितना जल्दी हो सके निकलिए यहाँ से जल्दी कीजिए आसपास के गांव के मिलाकर लगभग 30,000 लोग होंगे शीघ्र कीजिए महाराज जी भला इतने सारे लोगों को अपने दुर्ग में कैसे स्थान दे पाएंगे रावत जी ये हमारी प्रजा कभी भी रावत जी ये हमारी प्रजा है अकबर कभी भी इन पर आक्रमण करके इन्हें अपना जबरन आइए वापस आइए सब लोग वापस आइए यहाँ से लेकर सब आइए वापस आइए वापस आइए वापस जल्दी 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 आदर अरे नहीं जलता थे रावत जी ये हमारी प्रजा है अकबर कभी भी इन पर आक्रमण कर जबरन इन्हें अपना दास बना सकता है हम ऐसा कैसे सहन करेंगे हम ऐसा कैसे सह सकते हैं हम ये कैसे सह सकते हैं कि हम दुर्ग में सशक्त प्राचीरों के पीछे सुरक्षित बैठे रहें और ये अकबर के वार सहते रहें हम ऐसा नहीं होने देंगे रावत जी रावत जी ये हमारी प्रजा है अकबर कभी भी इन पर आक्रमण कर इन्हें अपना दास रावत जी ये
अकबर कभी भी इन पर आक्रमण कर जबरन इन्हें अपना दास बना सकता है। हम ये कैसे सह सकते हैं कि हम दुर्ग की सशक्त प्राचीरों के पीछे सुरक्षित बैठे रहे और हमारी प्रजा अकबर के वार सहती रहे? नहीं रावत जी, इनकी सुरक्षा हमारा धर्म है और हम अपना धर्म निभाएंगे। इन सबको दुर्ग के अंदर लेकर जाया जाए। चलिए सब लोग। जैसी आपकी आज्ञा राणा जी। चलो जल्दी कीजिए। कौन सा वरना सामान जल्दी आप कौन नहीं होने है? दूसरा क्या करो तो दूसरे जगह आप नहीं करें। आयो लो खाली खाली मैं यही कहना चाहूँगा कि अब तक आपने बहुत साथ दिया है। 400 एपिसोड आजकल की डेट में जहाँ पर शोज़ बहुत ज़्यादा चलते नहीं हैं, 400 एपिसोड एक कीर्तिमान है और आप सबको बधाई हो जो शो देखते हैं और जो इस शो से जुड़े रहे हैं पिछले 400 एपिसोड्स में। तो बहुत ग्रोथ हमने भी देखी है सब चीज़ें, तो मतलब ओवरऑल वेरी नाइस एक्सपीरियंस, बहुत मज़ा आया पिछले 400 करने में और इंशाल्लाह मतलब ये एंड नहीं है, अभी इसके आगे बहुत सारे एपिसोड्स और जाएंगे। सो दिस इज जस्ट द बिगनिंग। आज के सीन के बारे में बात करें तो आज प्रजा काफी परेशान दिख रही है, क्या बोलना चाहेंगे? ये अभी थोड़ा वॉर सीक्वेंस शुरू हुआ है, जैसे आजकल आप प्रोमो में भी देख रहे होंगे सीज ऑफ चित्तौड़ शुरू हुआ है, तो उसी में अकबर सता रहा है सारी प्रजा को और हम उसे बचाने वगैरह आते हैं, तो सारे का सारा सीक्वेंस वही शूट हो रहा था। तो थोड़ा इस चक्कर में धूल मिट्टी पसीना तलवारें घुड़सवारी तो ये सब चीज़ें उसके अंदर है, तो थोड़ा सा मेस्ड अप है बट दैट्स अ फन। 30,000 प्रजा कैसे संभालेंगे? खास तैयारी नहीं, तैयारी तो अंदर जाके पता चलेगी क्या करनी पड़ेगी। 30,000 तो लेके जा रहे हैं, अभी कितना राशन पानी है वो अंदर जाके पता चलेगा, बट सुरक्षा है उनकी, ये हमारा धर्म है तो हम वही करते हैं। अभी जैसे कि शूटिंग सेट के बाहर चल रहा काफी धूप है, मिट्टी भी काफी, क्या मुश्किल आ रही है? ये मेरे ख्याल से हिस्टोरिकल्स या अपने कॉस्ट्यूम ड्रामास करने का मेन एक चैलेंज यही होता है कि आपकी कॉस्ट्यूम्स बहुत हैवी होती हैं, प्लस आउटडोर बहुत होता है, एक्शन बहुत होता है और आपकी तलवारबाजी घुड़सवारी धूल मिट्टी पसीने खून ये सब चीज़ें बहुत यूज़ होता है। तो आई थिंक सबसे फन पार्ट आप अगर ये सब चीज़ें ये वाले ऐसे तरह के शोज़ करते हो तो वो सबसे मज़ेदार भी है, चैलेंजिंग भी है। सो मतलब अगर आपने कोई ज्वाइन किया है ऐसा शो तो स्टार्ट एक्सेप्टिंग इट। अभी तो यही वाला ट्विस्ट है इसका, द सीज़ ऑफ चित्तौड़ काफ़ी लंबा ट्विस्ट है ये वाला, क्योंकि एक्चुअली में ये हिस्ट्री है, तो दिस इज़ अ फैक्ट ऑफ अ हिस्ट्री जो हुआ था और वही हम दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं, तो होपफुली आप सबको अच्छा लगेगा। काफ़ी ड्रामा है, काफ़ी थ्रिलर है इसके अंदर, काफ़ी सस्पेंस है। अच्छा नाइस, थैंक यू सो मच। अभी आने का वापस लो।